अट्रैक्ट करने का तरीका। सबकी गर्दन मुड़ गई। इसे कहते हैं शैतानी का नाम, मजा आ रहा। ये देखिए सबके सब मोबाइल छोड़ के चिल्लाने लगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। लगभग 7:30 बजे होंगे और यह हमारे खाने का टाइम। तो यानी मैं अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग आज रास्ते, मतलब शाम रात समझ लीजिए, उससे कर रही हूँ। और आज बन रही है मडवे की रोटी और लेसू। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कैसे बनती है। मेरी सास बना रही है, मुझसे तो ढंग से बनती नहीं है। तो आप देखिएगा कि वो कैसे बनाती है। मुझसे तो मोस्टली टूटी जाती है, वो बनती तो बहुत छोटी छोटी बनती है, वो लगभग लगभग इतनी बड़ी बड़ी बना लेती है। क्योंकि जो मडवा होता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्म भी होता है, जाड़ों में तो बहुत खाया जाता है। जो खा सकता है मडवा, देसी घी या मडवा मक्खन तो बहुत ही गजब लगता है। तो मेरे हस्बैंड मडवा वो ही लेकर के आए थे पहाड़ से, और वो तो मडवे में घी लगा के यार मक्खन लगा के ही खाते हैं। फिर उनका सब्जी खाने का मन ही नहीं करता, वो इतनी टेस्टी लगती है। मम्मी को हम लेसू देते हैं। लेसू का मतलब है कि पहले आटे की थोड़ी सी एक छोटी सी रोटी बनाई, उसके बीच में मडवे की गोली रखी, उसे फिल करके उसकी रोटी बनाई जाती है। तो उसे लेसू, मडवे की लेसू मतलब लेसू कहा जाता है। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनाई जाती है। शाम के टाइम में बच्चों के साथ घूमने निकली हूँ। ये देखिए हमारे मतलब घर के पीछे का एरिया है, तो गर्ल्स साइकिल चला रहा है और सब उसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो बड़ा मजा आ रहा था शाम को, इवनिंग वॉक मतलब इवनिंग वॉक ही समझ लीजिए, घूमने में। बस एक शॉप तक गई थी और बच्चों को थोड़ी मैंने फ्रूटी वगैरह और लॉलीपॉप दिला दी थी। ये है मडवे का आटा, पहाड़ में लोग बहुत खाते हैं इसकी रोटी। तो आज हमारे यहाँ बन रही है मडवे की रोटी। मुझे बनानी नहीं आती, मेरे टूटी फूटी बनाती, मेरी सास बनाएंगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी मडवे की रोटी बनते हुए। मुझे ज़रा काम करना कम ही आता है, मेरी सास मम्मी ने बहुत परफेक्ट है। मैं बनाती हूँ लेकिन उतना नहीं जितना कि ये लोग परफेक्ट है। और इसके अलावा बन रही है भिंडी की सब्जी, और ये है लाई, इसमें घुइयां डलेगी और थोड़ी जो घुइयां है वो इधर छुप चुकी है। और ये स्टेप की मदी ने कैंटी बनाई थी, ये पहले स्टीम से जो ये होते हैं आमलेट्स को उबाल लिया था, फिर चीनी की चाशनी में चीनी पानी मिला के 3 दिन के लिए भिगोया, फिर इसे सुखाया और इसमें फिर बूरे से इसमें मुई मिक्स करा। मेरे घर बनी भी कहीं और रखी है, बची भी है। ये देखिए आंवला कैंडी तैयार हो गई है। सूखने के बाद पूरे में इसमें जो पीसी भी चीनी होती है उसमें लपेट दिया, तो इसका स्वाद ही बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल मार्केट जैसी ही लग रही थी। अब मेरी सास मडवा, सूखा मडवा निकाल रही है। मडवे का आटा मैंने गूंथ लिया, थोड़ा गीला सा ही होता है ये आटा, वरना ये रोटी टूट जाती है। तो अब वो पहले बेलेंगी, और उन्होंने गरम करने के लिए रख दिया तवा, क्योंकि इसका जो तवा है वो बहुत तेज गरम होना चाहिए, तब वो अच्छे से सिकती हैं। मंडवे की रोटी बहुत ही हल्के हाथ से बेली जाती है, क्योंकि अगर हम जरा सा भी टाइट से बेलेंगे तो ये टूट जाती है, और मतलब इसमें पलथौन जो होता है, जो आटा सूखा होता है, वो भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। Thank you.
मडवे की रोटी और मक्खन बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसमें मक्खन लगा दिया है और इसको ऐसे ही खा लूँगी, बड़ा मज़ा आता है खाने में। अब ये बना रहे हैं मम्मी जी लेसू। देखिए आटे की थोड़ी सी उन्होंने रोटी बेल ली है, उसके बीच में मडवे का आटा रखा है और इसे चारों ओर से फिल कर देंगे। जैसे कि कचौड़ी होती है उसमें उड़द की दाल फिल की जाती है, इसमें यही फिल करा जाता है मडवा, तो ये कहलाता है लेसू। ये भी खाने में अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। मेरी मम्मी लेसू ही पसंद करती है और मेरे पापा भी यही पसंद करा करते हैं। हिमाद्री बहुत जोर से गिरेगी, भड़ाम नहीं गिरेगी। सबसे मोटा कौन? हिमाद्री है ना सबसे नहीं मोटा, मोटी कौन? हिमाद्री। पिचका दो भाई को, चढ़ जाओ इसके ऊपर, भड़ाम। ये हिमाद्री चढ़ गई। ओहो, हमें नहीं पता था ये एक्सरसाइज है। शैतानी बच्चों की शैतानी। तो चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अभी खूब धमाल करा हमने, अभी दिखाऊंगी आपको कि बच्चों को कैसे परेशान किया जाता है। वो भाई को करती हूँ, बड़ा मजा आता है। तो चलिए इसी के साथ हमने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा प्लीज, अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।